अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा मलिक बियास किचन के साथ। आज हम बनाएंगे देगी कोरमा। मैं चिकन से बना रही हूँ, आप रेड मीट से भी बना सकते हैं। और ये एक डिफरेंट रेसिपी है, थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ। मैंने ट्राई की तो सबको बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। इसमें कुछ मेरे सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। और इस ईद पे आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और देखिए आप कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। आप इसी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत डिफरेंट टेस्ट मिलेगा आपको और बिल्कुल देगी शादियों वाले कोरमे का लुत्फ़ आएगा। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरमा बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल। कोरमा है तो इसलिए ऑयल में कंजूसी मत कीजिएगा। ये 7 प्याज हैं, मैंने इनको लच्छों के फॉर्म में काट लिया है, आप देख रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा से छोटे साइज़ हो तो आप 8 भी कर सकते हैं, बड़े साइज़ हो तो आप 6 भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे और मैंने इनको हाथ से इस तरह रगड़ रगड़ के अलग अलग कर लिया है ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपका बेहतरीन कोरमा बनेगा। अब इन्हें मुसलसल स्टर करके फ्राई करेंगे। देखिए मैं इनको इवनली स्टर करते हुए फ्राई कर रही हूँ। ये इस हद तक हो चुके हैं, बस अब 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारे प्याज रेडी हो जाएंगे। मैंने जब इन्हें फ्राई स्टार्ट किया था तो मैंने इसमें 2 चुटकी नमक भी ऐड किया था ताकि क्रिस्पी फ्राई हों और जल्दी फ्राई हो जाएं। इसलिए ये एक छोटी सी टिप है, आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने प्याज को पानी में डाल के फ्राई नहीं काटा था क्योंकि पानी में डालने से भी देर लगती है प्याज़ों को फ्राई करने में। ये देखिए हमारे प्याज डन हो गए हैं। बस मैं अब चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं इन प्याज को आराम से ऑयल से निकाल लूँगी। इससे ज़्यादा नहीं करना है। अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके, जिन्होंने मेरे हाथ का खाया हुआ है, कि आपके कोरमे का कलर बहुत फ्रेश होता है, हमारा डार्क हो जाता है, टेस्ट सही नहीं रहता। उसकी यही वजह है कि हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं। हमारी प्याज कोरमे के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं इनको इस तरह पेपर टॉवल पे उतार रही हूँ। मैंने चूल्हा मुकम्मल बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही कलर के, फ्रेश कलर के हैं। इनसे इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बिल्कुल कोरमे का फ्रेश फ्रेश रहता है, डार्क नहीं होता। ये मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब उस वक्त आपको मैं शो कर रही थी, ये ठंडे होने के बाद थोड़े थोड़े से डार्क हो जाएंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रखेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो पेपर नैपकिन में जज्ब हो जाए और प्याज क्रिस्प हो जाए। उसके बाद 10 मिनट बाद हम इसे ब्लेंडर में डाल के एक पेस्ट की फॉर्म में रेडी कर लेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें से मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम खड़ा मसाला डालेंगे। इसमें है 3 अदद दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 8 दाने लौंग के हैं और 10 काली मिर्चें हैं। हम ये डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अपना चिकन ऐड करेंगे। मसाले गलाने के बाद साबित अब मैं अपना चिकन ऐड कर रही हूँ। ये 1 किलो चिकन है और इसकी थोड़ी मुनासिब साइज़ की बोटी है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी छोटे साइज़ की बोटी इसलिए रखती हूँ ताकि मसाला जो है वो अंदर तक जज्ब हो जाए और हर बोटी में आपको मसाले का फ्लेवर आए। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। हम अब जब तक अपनी दही रेडी करते हैं, ये तकरीबन 1 किलो चिकन के हिसाब से 250 ग्राम से ज़्यादा है, तकरीबन 300 ग्राम कह सकते हैं, 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। हम अपने सूखे मसाले इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर रोस्टेड। ये 2/3 स्पून है टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट
और 1/4 टीस्पून ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर है। हम इन सारे मसालों को अपने दही में मिक्स कर लेंगे। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि दही में इवनली ये मिक्स हो जाते हैं और दही जो है वो फटने का इम्कान भी ख़त्म हो जाता है। हम इसे अच्छी तरह से फेंट के एक स्मूथ टेक्सचर में रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, सब मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं, सब घर के मसाले हैं और टेस्ट बिल्कुल इसका देगी कोरमे की तरह का आएगा। बस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो मैं, आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, मैं आपसे शेयर करूंगी। और आप नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक किलो के हिसाब से एक मुनासिब मिकदार में एक मुनासिब टेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ। ये देखिए, चिकन ने कलर चेंज कर लिया है और थोड़ा थोड़ा अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसके पानी को ड्राई करेंगे और इसको हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर देंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सारा नज़र आ रहा होगा आपको और ये लाइट लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है इस पर। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपनी दही ऐड करेंगे, जो मिक्सचर हमने दही और सूखे मसालों का बना कर रखा था हम वो ऐड करेंगे। आप अगर रेड मीट से बना रहे हैं तो भी आप सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि रेड मीट के लिए आपको पानी ऐड करना पड़ता है गलाने के लिए, वो कहाँ करना है। चिकन कोरमा ये 30 टू 35 मिनट्स में रेडी हो जाता है। हम इसे भूनेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसे 7-8 मिनट के लिए भून लिया। आप देख सकते हैं दही का पानी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब अगर आपके पास रेड मीट है तो आप इस मौके पे उसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल के और उसे गलने के लिए छोड़ दें। मेरा चिकन है तो ये गल चुका है, इसलिए मैं अगला प्रोसेस बताती हूँ आपको। ये वो फ्राइड प्याज हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, जो मैंने आपको बताया था मैं वो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दरदरा सा पीस के भी ऐड कर सकते हैं, मुझे पेस्ट फॉर्म पसंद है तो इसलिए मैं पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हम ये देखिए, ये मेरे पास जायफल और जावित्री है। जायफल का मैंने पाउडर बना लिया है, ये एक पिंच आप कह सकते हैं, एक चुटकी के बराबर है। और जो जावित्री है उसको मैं इस तरह ब्रेक करके इसमें ऐड कर दूँगी। कोरमे में ये ज़रूरी होता है क्योंकि टेस्ट इसी से आता है इसलिए। और ये मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बादाम पाउडर है, बादाम है लेके मैंने उन्हें पीस लिया था। और ये 1/2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ खोपरा है, ग्रेटेड कोकोनट, मैं ये ऐड करूँगी। इससे बहुत ही इन्हेंस होगा इसका टेस्ट और बिल्कुल आपको देगी कोरमे जैसा टेक्सचर मिलेगा। मैंने मिक्स कर दिया है इसमें बादाम का पाउडर और नारियल। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी डालूंगी सिर्फ इसकी ग्रेवी के लिए। मेरा चिकन गल चुका है और इसको मैं हल्की आंच पर ढाँप दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन हटा दिया है। आप देख सकते हैं कोरमा थिक हो गया है, ऑयल छोड़ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है वो केवड़ा ऐड करेंगे, केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट होता है कोरमे का, ये ज़रूर ऐड करना चाहिए। और अब मैं एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेल्टेड बटर है। 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें मेल्टेड बटर ऐड करना है। आप इसी रेसिपी से इस ईद पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कोरमा कैसा बना। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शक्ल आ चुकी है, ऑयल छोड़ चुका है, मसाला अलग हो गया है, ये देखिए गोश्त गल चुका है और ये कोरमा रेडी है। अगर आप रेड मीट से बनाएं तो भी सेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। और कितना अच्छा कलर आया है इसका, ये देखिए। अब
इतना थिक मुझे चाहिए। ये रेडी हो चुका है मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और हाफ टी स्पून के करीब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा चिकन कोरमा रेडी है, कितनी खूबसूरत शक्ल आई है, बिल्कुल ब्राइट शक्ल है। आप इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं अदरक से इसको गार्निश कर रही हूँ, जूलियंस कट किए हैं मैंने अदरक के, आप देख सकते हैं। वैसे तो इतनी खूबसूरत शक्ल है, इसको किसी गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ जानने के लिए बियाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।